हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाएंगे सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर्स स्पेशली फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स बाकी के प्लांट्स में भी डाल सकते हो आप वो है मस्टर्ड केक से बना हुआ फर्टिलाइजर्स फ्रेंड देखो ये मस्टर्ड केक मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन ही कुछ ट्वेंटी थर्टी रुपीज़ में टू हंड्रेड ग्राम था राइट कोई अफोर्डेबल स्टोर करके था एंड उससे मैंने परचेस किया था अभी इसको आप देखो दो हंड्रेड ग्राम्स है तो मैं खाली हंड्रेड ग्राम्स ही लूँगा यानी आधा पैकेट राइट एक बाल्टी ले लिया है इसके अंदर ये मैंने आधा पैकेट में डाल दूँगा इसका हाफ पैकेट अंदाज से देखो मस्टर्ड केक है प्योर ग्रीन मस्टर्ड केक कहते हैं इसको अभी देखो इसको हमें भिगोना है इसमें मैं डेढ़ लीटर जितना पानी डाल दूँगा एक से दो लीटर नॉर्मल टैप वाटर ही डालना है आपको लगे थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो हमारा टारगेट है कि पानी में भीगा रहे पूरा एक दिन देखो इसको मैंने हिला के पूरा घोल दिया है इसमें क्या है मस्टर्ड केक मैंने देखा है मैंने बहुत पहले कोई सुना था कि के मस्टर्ड केक अच्छा होता है सर, काफी टाइम पहले तो जब मस्टर्ड केक आप डायरेक्टली डालते हो तो उससे प्रॉब्लम कहाँ आता है कि वो मस्टर्ड केक खुद फंगस प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो मस्टर्ड ऑयल निकालने के बाद वाला जो चीज रह जाता है उसको मस्टर्ड केक कहते हैं ना तो उसका ये जो केक में से निकला हुआ पानी डिकेंट हुआ हुआ पानी वो बहुत काम लगता है इसमें आप डीएपी के थोड़े दाने डाल सकते हो मैंने अभी अभी सारे प्लांट्स में डीएपी डाला है तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगा मैंने अभी लास्ट वीक ही सब प्लांट्स में डीएपी दिया है आप इसमें दो से चार चम्मच डीएपी डाल सकते हो ज़्यादा गमलों में डालना है तो आप चार चम्मच डाल दो अगर कम गमले हैं आपके पास दस पंद्रह ही तो दो चम्मच डीएपी डाल दो इसको प्रॉपरली एकदम घोल लो और इसको ढक के साइड में रख दो पानी ज़्यादा थोड़ा डाल सकते हो और ऑलमोस्ट डेढ़ दो लीटर जितना पानी डाल के एकदम मिश्रण व्यवस्थित करके मैं न्यूज़पेपर से उसको ढक के साइड में रख दूंगा दो तीन मिनट तक इसको बराबर हिलाते रहिए अभी देखो जो मस्टर्ड केक के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो सारे पानी में आ जाएंगे राइट ये नेक्स्ट डे का भी ये वीडियो है वेलकम बैक राइट ये नेक्स्ट डे का वीडियो है देखो पानी में बराबर घुल मिल गया है मैं हिला के इसमें पानी डालूँगा फाइव लीटर्स तक तीन चार बार ऐसा कर सकते हो आप थ्री फोर टाइम्स आज ही ये जो ऊपर पानी जो है डिकेंटेशन के बाद जो पानी ऊपर है उसको मैं ले लूँगा इसको छान भी सकते हो आप लेकिन इसमें ऊपर से लोगे तो हंड्रेड परसेंट छाना हुआ ही आएगा राइट ये पानी मैं अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल दूँगा इस्पेशली ये पिटूनिया है राइट जो भी आसपास प्लांट है पोर्टोलिका है बहुत सारे मिक्स पोर्टोलिका मैंने अभी अभी, अभी गमला तैयार किया है इसमें लगभग फोर टाइप्स की पोर्टोलिका के कलर्स मिक्स किए हैं मैंने जरबेरा है राइट जरबेरा के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है डाइंथस में डाल सकते हो आप उसके बाजू में भी पिटूनिया है तो सब में आप डाल दो इसको अगेन डाइल्यूट करके थ्री टाइम्स ऐसा कर सकते हो फिर वापस आप उसको डिकेंड करने के लिए एक दिन रख के दूसरे दिन ऐसे ही दो तीन बार यूज़ कर सकते हो फिर वो जो मस्टर्ड केक है वो आप ऐसे ही यूज़ कर लो मिट्टी में डाल के मिट्टी में रख लो उसको और काफ़ी टाइम के बाद यूज़ करना नहीं तो फंगस होता है मस्टर्ड केक से डायरेक्ट यूज़ ऑफ मस्टर्ड केक देखो ये मैंने सब में डाल रहा हूँ कैलेंचो ये सनफ्लावर है उसमें भी डाल रहा हूँ हर प्लांट में आप डाल सकते हो ग्लैडुलस है जो बल्ब से उगाए हैं मैंने तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ये जीनिया के पौधे हैं, ये गजनिया है Thank you friends.